नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 11 अगस्त की ग्रह स्थिति देखते हैं। 11 अगस्त के दिन चंद्रमा मेष राशि में, शुक्र और राहु मिथुन राशि में, सूर्य और बुध कर्क राशि में, गुरु और केतु सिंह राशि में, शनि मकर राशि में और मंगल चंद्रमा, मंगल जो है वो मीन राशि में। ग्रहों की स्थिति मध्यम है। सबसे पहले आप लोगों को, पूरे जनमानस को, जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। भगवान कृष्ण आप सबको सुरक्षित रखे, प्रेममय रखे, क्योंकि प्रेम के देवता है। हर तरीके से प्रेम आपके जीवन में बरसे और सब लोग सकुशल पूर्वक रहें, हमारी पूरी पृथ्वी सुरक्षित रहे। बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है, रोहिणी नक्षत्र बाद में मिल रहा है, इसलिए बड़ी असमंजस की स्थिति भी हम सब के बीच में है। क्योंकि अष्टमी को भगवान कृष्ण की पैदाइश है और रोहिणी नक्षत्र की पैदाइश है, लेकिन जब रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है तो अष्टमी तिथि खत्म हो जा रही है। इस वजह से आप सब लोग अष्टमी तिथि को ध्यानपूर्वक मान करके जन्माष्टमी को मनाएं। ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी सामान्य से थोड़ा खराब है, मध्यम है, इसलिए एहतियात भी बरतें। बहुत जरूरी है कि पूरी तरीके से जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, उसको मानते हुए आप लोग जन्माष्टमी घर में रह करके पूजा पाठ करते हुए, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए मनाएं। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, जिस चीज की जरूरत उसकी उपलब्धता, शारीरिक ऊर्जा, सामाजिक ऊर्जा, हर दृष्टिकोण से एक अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम की स्थिति बेहतर और व्यवसायिक स्तर पे भी चीजें ठीक चल रही है, बहुत खराब नहीं है। लाल वस्तु पास रखें। वृषभ राशि, खर्च की अधिकता को लेकर के परेशान रहेंगे, नेत्र विकार या सर में थोड़ी परेशानी रहेगी, पड़ोसियों से थोड़ी अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति ठीक ठाक और व्यापारिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। काली जी की आराधना करते रहे। मिथुन राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, थोड़े विवादास्पद समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक बट विपरीत लिंगी संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, प्रेम तूतुमेमे का शिकार हो सकता है और व्यवसायिक स्तर पर चीजें मध्यम गति से आगे बढ़ता रहे। काली जी की वंदना करते रहे। कर्क राशि, राजनीतिक लाभ मिलेगा, पिता से आशीर्वाद मिलेगा, पिता का साथ होगा, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नए आयाम बन सकते हैं। बजरंग बली को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा, पूजा पाठ में भाग लेंगे, यात्रा का संकेत है। स्वास्थ्य मध्यम से आगे की तरफ, अच्छे की तरफ जा रहा है, व्यवसाय ठीक ठाक, प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी बनी रहेगी। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहे। कन्या राशि, चूट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा खराब समय है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार भी मध्यम गति से चलेगा। लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रंगीन दिन गुजरेगा, छुट्टी सा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम ठीक ठाक, व्यापार धीरे धीरे चलता रहेगा। लाल वस्तु का दान करें और शनिदेव को प्रणाम करें। वृश्चिक राशि, विरोधी परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम मध्यम रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। बजरंग बाण का पाठ करते रहे। धनुराशि, आपस में ना उलझें, प्रेम में तुतुमेमे से बचे, भावुकता में निर्णय ना लें, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार धीरे धीरे अच्छे की तरफ जा रहा है। गणेश जी की वंदना करते रहे। मकर राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी हो सकती है, घर में कुछ भौतिक सुख संपदा में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम
बहुत सावधानी से पार करें प्रेम के लिए, और व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। काली जी की आराधना करते रहें। कुंभ राशि, पराक्रम रंग लाएगा, व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम ठीक ठाक, स्वास्थ्य पे ध्यान जरूर दें, शनिदेव को प्रणाम करते रहें। मीन राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक स्थिति भी आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, शिव जी को प्रणाम करते रहें। नमस्कार।